कंटिन्यू कर रहे हैं ब्रायोफाइटा में। अभी तक हमने डिस्कस किया ब्रायोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और साथ साथ में इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने ब्रायोफाइटा की मेडिसिन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्च की फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और साथ साथ में इंडिकेटर ब्रायोफाइटा किस किस चीज़ का है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन। देखिए, आज तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से ब्रायोफाइटा को क्लासिफाई किया गया है। एनसीईआरटी में ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉसिस, लीवर रॉड्स और आते हैं हॉर्न रॉड्स। अगर हम देखेंगे तो तीन क्लासेस हैं ब्रायोफाइटा की। लेकिन जब हम हायर लेवल पे क्लासिफाई करते हैं ब्रायोफाइटा को, जब हम ब्रायोफाइटा को एक डिवीजन का स्टेटस देते हैं, तो तब ब्रायोफाइटा की तीन क्लासें हैं। अब ये तीन क्लासें कौन कौन सी हैं? पहली क्लास आती है हेपिटोकॉप्सीडिया, दूसरी आती है एंथोसिरोटॉप्सीडिया, दिस इज एंथोसिरोटॉप्सीडिया, एंड द थर्ड वन इज ब्रायोप्सीडा। सबसे पहले हेपिटोकॉप्सीडिया। हेपिटोकॉप्सीडिया में तीन ऑर्डर आते हैं। सबसे पहले आता है मार्केंशियल्स, इसमें आता है एग्जांपल मार्केंशिया, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें मार्केंशिया। ठीक है, इसमें यहाँ पे गेमा कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है रेसिका भी और प्लासियोचास्मा, ये तीन जो है ये मार्केंशियल्स ऑर्डर में आते हैं। दूसरा ऑर्डर आता है हमारा जुगरमिनियल्स, ये जो जुगरमिनियल्स ऑर्डर है इसमें आता है पीलिया और पोरेला, पीलिया और पोरेला आता है। थर्ड आता है हमारा क्रायोबाइल्स, ये जो क्रायोबाइल्स है इसमें आता है हैप्लोमिट्रिकम, इसमें आता है हैप्लोमिट्रिकम, इसे हम हैप्लोमिट्रियल्स भी कह सकते हैं, हैप्लोमिट्रियल्स भी तीसरा ऑर्डर है। नेक्स्ट आता है हमारा एंथ्रोसिरोटॉप्सीडा, एंथ्रोसिरोटॉप्सीडा में आता है इसकी जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर जो है ये आता है हमारा एंथ्रोसिरोटेल्स, और इस एंथ्रोसिरोटेल्स में दो ही मेंबर है, एक है एंथोसिरोस, दूसरा है नोटोथाइलस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ब्रायोप्सीडा की, तो ब्रायोप्सीडा में दो ऑर्डर आते हैं, एक आता है हमारा स्पेगनेल्स, दूसरा आता है हमारे पास फुनियरेल्स। ये जो स्पेगनेल्स है इसमें स्पेगनम आता है, इस स्पेगनम को ही हम पीट मॉस भी बोलते थे, है ना, स्पेगनम आता है, और फुनियरेल्स में आता है फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और पोगोनेटम। अब देखो, ये जो ब्रायोप्सीडा है ये एडवांस्ड ब्रायोफाइटा है, ये क्या है, ये एडवांस्ड ब्रायोफाइटा है। इनमें क्या होगा, रूट भी होगा, इनमें राइजाइड्स होगा, थोड़ी सी स्टेम बनेगी और थोड़ा सा लीफ बनेगा। लेकिन अगर हम हेपिटोकॉप्सीडिया की बात करेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस लाइक होता है। कैसे होता है, थैलस लाइक होता है, मतलब जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते है। लेकिन ब्रायोप्सीडा में लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, ठीक है ना। और ये जो है एंथ्रोसिरोप्सीडा, इसमें फुट और सीटा ही होता है, कैप्सूल नहीं होता है। हम पढ़े हाइपिटोकॉप्सीडिया, एंथ्रोसिरोप्सीडिया और ब्रायोप्सीडिया, ये तीन क्लासेस आते हैं ब्रायोफाइटा में। हायर क्लासेस में आप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू।